नमस्कार और आदाब। आज शनिचर है, सितंबर के 21 तारीख। पेश है आपके लिए 7 दिन के खबरें। सितंबर के 12 तारीख को इलाका सारामाका यानी कावा के पोलिसी रिसोर्ट में दम्बुंगतोन वेख में एक हादसा हुआ है, जहां पर 62 साल के एक स्त्री एक फुटहांगर प्रकाशवती गंगा दिन के देहांत हो गया है। अब तक के पुलिस के खोजबीन से पता चला है कि इनको एक गाड़ी ने जाकर इनसे टकराया है। दम्बुंगतोन वेख में ये बुरी तरह से घायल हुए, इनके सर पर काफ़ी चोट आए थे। इनको लोग हॉस्पिटल में दाखिल किए हैं, लेकिन अगले दिन सुबह में सितंबर के 13 तारीख हॉस्पिटल में इनके देहांत हो गई है। पुलिस खोजबीन कर रही इस मामले में। मुमकिन ये स्त्री जो है यह रास्ता पार कर रही थी, जब मोटरगाड़ी जाकर इनको धक्का लगाया है। मोटरगाड़ी अभी तक पता नहीं है, आसपास के लोग ये बता रहे हैं, गवाहियों ने बता रहे हैं। मुमकिन एक ब्लॉक हलाक तो डबल कैबिना पिकअप जाकर इस स्त्री से टकराई है। ये फुटहांगर जो है प्रकाशवती गंगा दिन 62 साल की, ये इस साल के वास्ते 1 और 5 तक से फिरकेश दूर है। फिरकेश 2 दिन के बाद हम करते हैं। तो फैल खैसमान जो अगस्त के 15 तारीख से लेकर सितंबर के 15 तारीख तक थे, ये अब ख़त्म हो गया है। और इस फैल खैसमान में 4 हफ्ते के अंदर 7 लोगों के देहांत हुआ है यातायात यानी फिरकेर में। मिनिस्टर यूस्टिसियन पोलिसी का स्टुअर्ट खतराओ जो है ये कहते हैं कि कुछ नया फिरकेश मार रेखलन आएगा, कुछ और उपाय लोग सोचेंगे कैसे ये फिरकेश 2 दिन जो है कम करने के वास्ते। लोग ये बता रहे हैं या मिनिस्टर ये बता रहे हैं, इसमें से एक ये होगा कि जो लोग तेज़ी से गाड़ी हाँकते हैं, लोग फिरकेश बॉर्डन जहाँ पर स्नेल हेट लिखा गया इस पर गौर नहीं करते हैं, इन लोगों का गाड़ी जो है कब्जे में लिया जाएगा। मिनिस्टर स्टुअर्ट खतराओ ये भी बताए हैं कि एक फंड वो कायम करना चाहते हैं, इसमें पैसा एक खतरा होगा और ये पैसा उन लोगों के लिए रहेगा जिनको किसी हादसा से यातायात में जिन लोगों का नुकसानी हुआ है। मिनिस्टर स्टुअर्ट खतराओ बताते हैं कि कुछ बलैट्स मात रेखलन कुछ बलैट्स प्लान आने वाले हैं, लेकिन इसके बारे में इस वक्त लोग सोच विचार कर रहे हैं, गुफ्तगू हो रहे हैं। वो ये भी बताई है या ये जानकारी हम आपको दे सकते हैं कि इस साल के लिए टेलर इस वक्त के लिए 2 और 5 तक पर है। सुरीनाम देश में 2019 के वास्ते 2 और 5 तक फिरकेश 2 दिन, 2018 में ये था 77, 2017 में 84 और 2016 में 75 फिरकेश 2 दिन। ये बलैट्सप्लान जो है बनाया जाता है, इस बारे में मिनिस्टर बताई है एक सेरो टॉलरेंस बलैत आएगा। वो कहते हैं कि जो लोग तेज़ी से मोटरगाड़ी चलाएंगे, जो लोग तेज़ी से मोटरगाड़ी हाँकते हैं, जो लोग नशे के हालात में यानी शराब पीकर मोटरगाड़ी हाँकते हैं, जो लोग लाल सिग्नल पर गौर नहीं करते रेड रोड लेफ्ट, या जो लोग फर्शेकर किया हुआ गाड़ी के साथ सड़क पर नहीं आते हैं, इनका गाड़ी मतलब लोगों का गाड़ी जो फर्शेकर नहीं है, इन लोगों पर ख़ास गौर किया जाएगा और बूता आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। ये कहा गया है जो लोग तेज़ी से मोटरगाड़ी हाँकते हैं, अगर आप कंट्रोल पर लोग पुलिस आपको रोकेगा तो आपको बूता भरना है, जुर्माना आपको भरना। अगर आप नहीं भर पाएंगे तो ये भी हो सकता है कि आपका गाड़ी पुलिस कब्ज़े में ले लेंगे। वैसे इससे पहले ऐसे होता था कि रेब वैस लोगों को ले लिया जाता था, लेकिन इससे अभी उपाय नहीं है, क्योंकि रेब वैस ले लेते हैं तो भी लोग तेज़ी से मोटर गाड़ी हाँकते हैं। गाड़ी की ज़रूरत हर एक को है, अगर गाड़ी पुलिस ले लेंगे तो हो सकता है शायद इसी डर से अब लोग इस पर गौर करेंगे और फिरकेर स्नेल हेड पर लोग अपना स्नेल हेड पर फिरकेर में गौर करेंगे। मिनिस्टर खतराओ ये भी कहा है कि एक पॉइंट रेब वेस वो लाना चाहते हैं। पहले 3 ओवर ट्रेडिंग अगर आप करेंगे, 3 फिरकेश ओवर ट्रेडिंग, पहला 3 अगर आप करेंगे तो आपको चेतावनी मिलेगा यानी वार्शिंग मिलेगा। उसके बाद चौथी मतवा बूटा भरना है, जुर्माना भरना पड़ेगा। और 5वीं मतवा अगर फिरकेश ओवर ट्रेडिंग आप करेंगे तो ऐसा होगा कि आपका रेब वेस पुलिस ले लेंगे और 5 साल के बाद आपको मौका रहेगा फिर से रेलेस जाने के लिए, और तब फिर आप रेब वेस हाजिर कर सकते हैं। मिनिस्टर यह भी बताइए कि नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन सिस्टम वो लाना चाहते हैं। यह ना सिर्फ ये नंबर प्लेट जो है आपके गाड़ी से जुड़ा रहेगा, लेकिन जो गाड़ी हाँकते हैं ये एक किसी शख्स के साथ भी जोड़ा जाएगा ये प्लेट नंबर जो है।
मिनिस्टर कहते हैं कि ये तमाम जो बलैत स्मार्ट रेखलन वो लाना चाहते हैं, ये कब से चालू होगा नहीं पता है, लेकिन इनके आदमी जो है, इनके बलैत के लोग जो है, ये सब इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं और खोजबीन हो रहा है। फ्लिट्स पालन तो कई सालों से इंत्रोदी सेर हुआ है, फ्लिट्स पालन आए हैं लेकिन उमदा तौर पर अभी तक काम नहीं करते हैं, इसलिए लोग पुलिस जो है यहाँ मातख फ्लिट्स अपराध खरीदते हैं कंट्रोल के वास्ते, और जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के वास्ते ए माफी रंतवेदख और कैमरास लगाए गए अनेक जगह पर सूरीनाम देश में, परामारिबो में, वानिका में भी और इलाकाओं में। इसके साथ लोग चाहते हैं कि लोग और सावधानी के साथ यातायात में यानी फरकेर में हिस्सा लें। फरकेश दो दिन के बारे में हम बात करते हैं तो मैं आपको ये भी बता दी कि 25 तक फरकेश दो दिन जो इस साल के या 55 तक साल का एक फिक्सर है केनेथ कस्मो। सितंबर की 15 तारीख जामू स्ट्रात में एक हादसा में एक ब्रॉम फिक्सर और एक फिक्सर दोनों जाकर एक दूसरे से टकराए हैं तो इस आदमी का देहांत हो गया है। अभी तक के खोजबीन से पुलिस बताते हैं कि यह ब्रॉम फिक्सर पता नहीं है कैसे ये फिक्सर के रे हेल्प पर गया है, जाकर यह फिक्सर से टकराया है। यह फिक्सर जो है ये बुरी तरह से घायल हुए थे और इनका देहांत हो गया है। ये 25 तक फरकेश दौड़े हैं। Dienst administratie en uitbetaling sociale voorzieningen jo he ministerie van sociale zaken en volkshuisvesting ka ye sab september ke 16 tarikh se shuruaat kiye the algemeen kinderbijslag bharne ko logo ko aur ye hai 2018 के वास्ते परामारिबो शहर में लोगों को अलखमीन के अंदर 22 लाख भरा गया है। जो लोग देर से आए थे उन लोगों को दिन तारीख बाद में बताया जाएगा कब आप आकर अपना पैसा ले सकते हैं, इन लोगों के लिए एक ना बतालिंग रहेगा। लोग देर से आए थे ये भी कहा गया है कि कुछ लोग आए थे जिनके पास ज़रूरी कागजात नहीं थे, तो इस पर आपको गौर करना है। अगर आप जाएंगे अपना अलखमीन के अंदर 22 लाख का पैसा लेने के लिए तो आपको साथ में लाना है आका बी कार्ड, आईडी कार्ड से भी बी का एक फैमिली बुक और रिसेंट खसेंस आउट्रेक्सल आपको साथ में लेकर आना है। ये सभी डॉक्यूमेंट सभी कागजात आप लेकर आइए वरना पैसा आपको नहीं दी जाएगी। सफीरा यसरुन जो है नेक्स्ट जेनरेशन का, ये कहते हैं कि 10,000 US डॉलर या इससे ज़्यादा पैसा खर्च करना फिस प्रेसिडेंट के दिल हादसे के लिए होटल कोस्टन के वास्ते इतना ज़्यादा पैसा खर्च करना ये ठीक नहीं है। न्यूयॉर्क जाने के लिए ये ज़्यादा पैसा जो खर्च हुआ है इस बारे में वो अपना ख्याल पेश किए हैं और ये कहते हैं कि देश में एक तो इतना गरीबताई है, इकोनॉमी से सिटीवासी देश का ठीक नहीं है और इतना ज़्यादा पैसा करने के लिए ये ज़रूरी नहीं था। लोग ये देख सकते थे और सस्ते दाम में कहाँ पर होटल लोग ले सकते थे, होटल का बुकिंग हो सकता है, और इसलिए वो कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं था कि इतना ज़्यादा पैसा इतना महंगा कमरा जो है इसका बुकिंग किया जाता। डायरेक्टर मिनिस्टेरी फन बाउतलान ससाकन का बताई है कि यही तारीफन है न्यूयॉर्क में, लेकिन सफीरा यसरुन ये कहते हैं कि अगर बुकिंग एप्स पर और वेबसाइट्स पर देखा जाए तो आप ठीक तौर से और साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि और सस्ते दाम में बुकिंग हो सकता था। ग्लेंडा हेकर जो है बुध को बेईद हुआ है, इनका नियुक्ति हुआ है हिपोटेक बवारदर, ये हुआ है नया सूरीनाम देश का हिपोटेक बवारदर हुआ है और ये बेईद हिंग प्रेसिडेंट देसी बाउटर्ज के जरिए हुआ है। ये रिकार्डो फ्रेडन के जगह पर आए हैं जिनको मई 2019 इसी साल में इनके पदवी से हटाया गया है क्योंकि ये अपना फर्ज ठीक तौर से अदा नहीं किए है प्लिक्स फरशर्म के वजह से, प्रेसिडेंट ने कहा है इनको इनके पदवी से हटाया गया है। इनके जगह पर अब ग्लेंडा है कैरक आए हैं और ये अपने बईदहिंग पर वादा किया है प्रेसिडेंट देसी बाउतर्श से कि ये पूरे ईमानदारी के साथ अपना काम वो करेगा और बागडोर संभालेगा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ख्लिस के पास। जो लोग यातायात फरकेर में हिस्सा लेते हैं स्वार्थनोव ब्रोस्ट्रात से रोज़ाना गुजरते हैं उन लोगों को हम बताना चाहते हैं कि बुध से एक हिस्सा जो रास्ता का है यह है दम ब्रमदर्शरख्त और खमेनलांसवेख के बीच में ये जनता के लिए खोला गया है। मरम्मत का काम रास्ता का वहाँ पर चल रहा था तो एक हिस्सा जो है दम ब्रमदर्शरख्त और खमेनलांसवेख के बीच में यातायात फरकेर के लिए खोला गया है, लेकिन काम काज अभी तक जारी है और इस वक्त काम चल रहा है।
स्वार्थनहोफ ब्रोकस्ट्रात में, और ये है प्रिंसनस्ट्रात और होगस्ट्रात के बीच में। वहाँ पर कामकाज अभी तक चल रहा है। फिरकेर पुलिस वहाँ पर मौजूद है इशारा देने के लिए। जो लोग यहाँ पर हिस्सा लेना चाहते हैं फिरकेर में, तो ज़रूर फिरकेर पुलिस के इशारों पर आप गौर करना। जिस तरह से आपसे कहा जाए आप वैसे ही इस फिरकेर में आप हिस्सा लीजिए। ये आखिरी खबर है आज 7 दिन में। शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़।